ये देखिए एकदम भरे भरे फूले फूले सॉफ्ट आलू प्याज के जबरदस्त टेस्टी ढाबा स्टाइल पराठे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही जबरदस्त रेसिपी जिसको आप देखेंगे तो देखते ही बनाना चाहेंगे। मैं बनाने जा रही हूँ ढाबा स्टाइल आलू प्याज का पराठा। आज के आलू प्याज के पराठे की सबसे खास बात, ना तो आपके आलू प्याज के पराठे फटेंगे, ना आलू की स्टफिंग पानी छोड़ेगी, ना बेलते वक्त चिपचिपे होंगे और ना ही ठंडे हो जाने के बाद सख्त पड़ेंगे। सबसे खास बात, आपका आलू प्याज का पराठा भले ही फट जाए पर फूलेगा जरूर और जो अंदर की फिलिंग है पराठे के कोने कोने तक जाएगी। साथ ही बताऊंगी एक बहुत ही इंस्टेंट चटकारेदार स्पेशल चटनी। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पारुल, कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ढाबा स्टाइल आलू प्याज के भरे भरे फूले फूले नरम पराठे बनाने के लिए सबसे पहले तो भाई हम लगाएंगे आटा। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप गेहूं का आटा। मेजरमेंट के लिए कोई भी घर की कटोरी ले लीजिए, उससे आप माप ले लीजिए। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ ढाबे वालों की सीक्रेट चीज बेसन। तो ये मैं डाल रही हूँ 5 बड़े चम्मच बेसन। बेसन डालने से पराठे का स्वाद भी बढ़ेगा, साथ के साथ खस्तापन ज्यादा आएगा, क्योंकि ये हम बना रहे हैं एकदम ढाबे वाले जो भरे भरे खस्ते बन पर आलू प्याज के पराठे मिलते हैं ना, जैसे आप किसी पंजाबी रेस्टोरेंट वगैरह पे जाते हैं बिल्कुल वैसे बनेंगे। मतलब मजा आ जाएगा और आप इसे बार बार बनाएंगे बिल्कुल इस तरह से जैसे आज मैं बताने वाली हूँ। साथ ही जाएगा 1 छोटी चम्मच नमक। अब यहीं पर हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच अजवाइन। तो अजवाइन को हाथ पर डालकर इस तरह क्रश करके डालेंगे। टेस्ट बहुत अच्छा लगता है आलू प्याज के पराठे में इस कॉम्बिनेशन से। सभी चीजों को पहले बढ़िया से मिला लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एकदम सॉफ्ट आटा लगाएंगे। सबसे जरूरी स्टेप एक बढ़िया आलू प्याज के पराठे बनाने के लिए, उसकी शुरुआत यहीं से होती है। जितना बढ़िया मसल कर एकदम बढ़िया आटा आप लगाएंगे नरम, उतना ही बढ़िया आपके आलू प्याज के पराठे तैयार होंगे। ना कभी फटेंगे, ना चिपचिपे होंगे, खस्तापन प्रॉपर आएगा। और वो जो शिकायत होती है ना, आटे आटे का टेस्ट आ रहा है, फिलिंग का टेस्ट नहीं आ रहा, ऐसी शिकायत बिल्कुल नहीं आएगी जिस तरह से आगे मैं बताने वाली हूँ। तो पानी एक साथ बिल्कुल ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें और इसको मसलते हुए इसका एकदम लचीला आटा लगाएं। ये लीजिए मैंने आटा बिल्कुल बढ़िया से लगा लिया है और इस तरह का सेमी सॉफ्ट आटा लगाना है हमें। ये देखिए इस तरह सख्त आटा लगा देंगे तो जब आप बेलेंगे तो आलू की पूरी स्टफिंग बाहर आ जाएगी बेलते वक्त। इसलिए नरम आटा होगा तो उसे खिंचाव मिलेगा, आलू की स्टफिंग बिल्कुल बरकरार रहेगी, अंदर बाहर नहीं निकल कर आएगी। ये है जरूरी पॉइंट। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 बड़ा चम्मच देसी घी। आप ऑयल भी ले सकते हैं, घी वगैरह से पराठों में स्वाद ज्यादा आता है। घी यहाँ डाल करके अच्छे से सब तरफ कोट करेंगे और एक बार और आटे को मसल लेंगे। बिल्कुल इसी स्टेज पर घी डालिएगा, फर्क देखिएगा आप पराठे में। लीजिए आटा बिल्कुल तैयार है हमारा। तो इस पर हम लगाएंगे 1 गीला कपड़ा और इसे रखेंगे 10-15 मिनट के लिए रेस्ट पर। चलिए फटाफट से तैयार करते हैं बहुत ही जबरदस्त ढाबा स्टाइल आलू प्याज की स्टफिंग। तो सबसे पहले गैस पर एक पैन चढ़ाएंगे और पैन में मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच तेल, ज्यादा नहीं थोड़ा सा ही लेना है। तो यहाँ पर तेल के गर्म होते ही सबसे पहले इसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा, 1/4 छोटी चम्मच हींग। और ये देखिए ये मैं नेक्स्ट चीज डाल रही हूँ जो कि आलू प्याज के पराठे में स्वाद का जादू कर देगी, वो है 1 छोटे चम्मच दरदरी कुटी हुई सौंफ। हरी वाली सौंफ होती है ना, बस उसको मैंने दरदरा कूट लिया है। यदि आप सौंफ का फ्लेवर नहीं लाइक करते हो तो ना डालिए। साथ ही डालेंगे 1 छोटा चम्मच दरदरा कुटा हुआ धनिया। साबुत धनिया डालेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है, पर दरदरा कूट कर डालिएगा इस तरह। हल्का सा भून लेंगे लो मीडियम फ्लेम पर कि कोई भी चीज जले नहीं। अब इस स्टेज पर इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच भरकर अदरक हरी मिर्च लहसुन का दरदरा पिसा हुआ इस तरह का पेस्ट। आप चाहें तो बारीक काट कर भी डाल सकते हैं। मैंने तीनों ही चीजों को मिक्सी में पल्स पर दरदरा कर दिया था, इजी हो जाता है। तो जब आप पराठे बेलेंगे ना तो उसमें वो मोटे मोटे चंक्स नहीं आएंगे, तो पराठा बेलते वक्त फटेगा नहीं। अच्छे से भून लेंगे मेरे तरीके से इस बार, इसको तो आप जरूर बनाइएगा। घर में बच्चे बड़े मांग मांग कर बनवाएंगे और आप बार बार बनाना चाहेंगे। लीजिए अदरक हरी मिर्च सभी चीजें बढ़िया से भुन गई है, कच्चापन निकल गया है। इस स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़े साइज की प्याज जिसको मैंने फाइन चॉप कर लिया है, देखिए इस तरह का। अच्छा बारीक ही काटिएगा, मोटा मोटा मत काटिएगा, वरना क्या होगा कि जब आप बेलेंगे तो पराठा फिर से फटने लगेगा। प्याज डालकर मीडियम हाई फ्लेम पर इसको बढ़िया से भून लेंगे, हल्का गुलाबीपन तक, बहुत ज्यादा नहीं कि बस मॉइस्चर निकल जाए, कच्चापन निकल जाए, बढ़िया टेस्ट आ जाए। और यहीं पर मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 छोटी चम्मच हल्दी की, अच्छे कलर के लिए स्टफिंग में, रौनक लगे पराठे में।
बस बढ़िया से 2-3 मिनट भून लेंगे मीडियम हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए। बहुत ही जरूरी पॉइंट है क्योंकि प्याज पानी छोड़ती है, इसलिए यहाँ पर इसको हल्का सा फ्राई करके डालेंगे। इससे मॉइस्चर पूरा खत्म हो जाएगा प्याज का, तो फिर वो परेशानी ही नहीं होगी कि पानी छोड़ रही है प्याज, और टेस्ट भी बढ़िया आएगा। लीजिए, बिल्कुल बढ़िया से प्याज वगैरह सब भुन गई है। गैस को बंद कर देंगे, इसको पूरी तरह ठंडा होने देंगे, गरम का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं 4 उबले हुए आलू। आलू को बढ़िया से कद्दूकस से ग्रेट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ कद्दूकस करने का रीजन ये है, अगर आप मैश करके आलू यूज करते हैं तो कभी कभी ना उसमें आलू के चंक्स आ जाते हैं, तो जब आप स्टफिंग भरते हैं तो वापस से वो पराठा जगह जगह से फटने लगता है जहाँ से चंक्स आ जाते हैं, तो ऐसा ना हो इसलिए आप कद्दूकस करें। दूसरी चीज, आलू जो लें उबले हुए ठंडे लें, पहले ही उबाल लें और 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, उसके बाद आप आलू का इस्तेमाल करें, क्योंकि गर्म आलू से स्टफिंग बनाएंगे तो आलू पानी छोड़ते हैं। इस तरह ठंडे आलू से बनाएंगे, आलू बिल्कुल पानी नहीं छोड़ेंगे, फिर तो बेलने में भी बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। लीजिए, आलू सारे मैंने ग्रेट कर लिए। अब यहाँ पर इसमें हम डालेंगे हमारा तैयार प्याज वाला मसाला, जो कि पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, गरम बिल्कुल नहीं डालेंगे, सारा प्याज वाला मसाला यहाँ डाल देंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, जो कि देखने में बहुत ही बढ़िया लगती है, चाहे तो रेगुलर मिर्च भी डाल सकते हैं, रेड चिली फ्लेक्स हो तो वो यूज कर लीजिए। 1/2 छोटी चम्मच डाल रही हूँ गरम मसाला, और 1 छोटी चम्मच डाल रही हूँ चाट मसाला, जो कि ढाबे वाले जरूर डालते हैं। चाट मसाला ना हो तो आमचूर पाउडर ले लीजिए। साथ में डालेंगे स्वाद के लिए 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी, बहुत अच्छा लगता है इसका टेस्ट आलू प्याज की स्टफिंग के साथ, ये भी यहीं पर डाल देंगे। सबसे एंड में डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और गया बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब बिल्कुल हल्के हाथ से सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे, बहुत ज्यादा मसलेंगे नहीं, क्योंकि प्याज डाली हुई है ना, ज्यादा देर तक मसलते रहेंगे तो उसमें गीलापन आ जाएगा, नमक भी डाला है ना, तो तुरंत से पराठे बनाएंगे। अब देखिए, हमने कद्दूकस किया था ना आलू, तो देखिए बिल्कुल इवन दिख रही है स्टफिंग, तो जब पराठा बेलेंगे तो पराठे में भी स्टफिंग इवन रहेगी। तो चलिए, स्टफिंग भी तैयार है, आटे को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, आटा बिल्कुल बढ़िया से सॉफ्ट हो गया, देखिए इसकी इलास्टिसिटी, एकदम लचीला आटा है, ऐसा आटा हमें चाहिए परफेक्ट आलू प्याज का पराठा या आलू का पराठा बनाने के लिए। तो एक बार और मसल लेंगे। अब इसमें से हम लेंगे एक मीडियम साइज की लोई, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं, बहुत ज्यादा छोटी नहीं, नॉर्मल पराठे से थोड़ी सी बड़ी। ये देखिए, ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि हम आटा आटा खा रहे हैं। सूखे आटे में इस तरह से लोई को कोट करेंगे, एक बार हल्के से झाड़ देंगे और चकले पे रखकर इस तरह हल्के हाथ से बेलेंगे मीडियम साइज का। ये देखिए, मैंने चपाती की तरह से इसे थोड़ा बेल लिया है। अब इस पर हम लगाएंगे हल्का सा घी। इसका रीजन ये है कि अक्सर ये शिकायत होती है कि पराठे में जो स्टफिंग है चारों तरफ फैल गई और बीच में से पराठा लगता है सख्त, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, स्टफिंग भी प्रॉपर फैलेगी और बीच में से पराठा सख्त भी नहीं लगेगा। हल्का सा आटा इस तरह से छिड़केंगे इसके ऊपर। अब इसके ऊपर हम रखेंगे हमारी स्टफिंग, तो आलू प्याज की स्टफिंग लेंगे 1 बड़ा चम्मच भरकर और बीच में बिल्कुल इस तरह से सेट करते हुए रखेंगे। ये मैं आज बना रही हूँ 4 कोने वाले पराठे, यानी स्क्वायर पराठा। अब आलू के पराठे, आलू प्याज के पराठे अक्सर गोली खाते हैं, अब की बार ऐसे बनाइएगा, देखने में भी बढ़िया लगेंगे, स्टफिंग भी चारों कोनों पर जाएगी और ज्यादा सॉफ्ट और टेस्टी लगेंगे। अब यहाँ से ये वाला जो पोर्शन है इसको इसके ऊपर रखेंगे और इस वाले पोर्शन को इस पोर्शन के ऊपर रखेंगे, हल्का सा प्रेस कर देंगे। अच्छा, स्टफिंग बहुत ज्यादा कम मत भरिएगा, सही मात्रा में, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, जिस हिसाब से आपने लोई लिया आटे की उस अनुसार। अब यहां से इस वाले पोर्शन को यहां दबाएंगे और इस पोर्शन को इसके ऊपर इस तरह से प्रेस कर देंगे। ये देखिए, बन गया ना स्क्वायर। वापस से हल्का सा आटा छिड़केंगे और देखिए, अब हाथ से इस तरह बीच में हल्के हाथ से प्रेस कीजिए, जितना आप इसे फैला सकते हैं हाथ से फैला लीजिए, कम बेलन चलाएंगे, फटने के चांसेस भी कम रहेंगे और इस तरह दबाने से जो फिलिंग है आलू की वो सब तरफ फैलेगी। ये देखिए, थपथपाते हुए इसे थोड़ा सा बढ़ा लें, परफेक्ट। अब इसको हल्के हाथ से बेल लेंगे, ज्यादा प्रेशर बिल्कुल नहीं देंगे कि स्टफिंग बाहर आ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, हल्के हाथ से बेलते जाइए और शेप को मेंटेन रखिए, मतलब हमने चौकोर बनाया ना तो सब तरफ से घुमा घुमा कर बेलिए जिससे ये चौकोर बना रहे। आप अगर गोल बनाना चाहें तो गोल बना सकते हैं पराठे। ये देखिए, अच्छा सबसे खास बात, आलू प्याज वाली स्टफिंग हल्की हल्की सी देखिए दिख रही है, ये है खास बात, पराठा फटा नहीं है और देखिए ऊपर की जो लेयर है आटे की, बहुत ज्यादा हमने आटा भी नहीं लिया है, वरना क्या होता कि नीचे की जो स्टफिंग है ना वो झलक कर नहीं आती अगर आटा ज्यादा रहता। और आप देख सकते हैं पराठा प्रॉपर चौकोर भी है, साथ के साथ स्टफिंग बाहर नहीं आई है, ये है खास बात। तो चलिए फटाफट से पराठे को सेकते हैं। गैस पर चढ़ाएंगे 1 तवा और तवे को पहले मीडियम फ्लेम पर बढ़िया गरम करेंगे। यहाँ पर हमें तवे पर कोई घी तेल नहीं लगाना है, इसी तरह पहले गरम कर लेंगे बढ़िया,
और तवे के गर्म होते ही हम अपना पराठा लेंगे और तवे पर इस तरह से डालेंगे। अभी पराठे को बिल्कुल टच नहीं करेंगे, पहले 30 सेकंड नीचे से सिकने देंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे। जब हल्का सा पराठा सिक जाएगा, देखिए अभी दिख रहा है कि हल्का हल्का पराठा सिक गया है, धीरे से पराठे को पलटेंगे और नीचे से भी इसी तरह से हल्का पहले सिकने देंगे। इस तरह से जब आप पराठा बनाएंगे 100% पराठे फूलेंगे भी, एकदम सॉफ्ट और नरम तैयार होंगे। अब वापस से पराठे को पलटेंगे और इसके ऊपर अब हम लगाएंगे घी। आप देख सकते हैं बढ़िया गोल्डन सा कलर दिख रहा है हल्का हल्का। अब हम घी लगा देंगे, चाहे तो ऑयल बटर भी यूज कर सकते हैं। और घी इस तरह से लगा करके वापस से पराठे को पलटेंगे। अब ऊपर भी हल्का सा घी का हाथ लगा देंगे इस तरह। और ये देखिए क्या मस्त पराठा हमारा फूल रहा है। ये है खास बात इस तरीके में। जब आप इस तरह आलू प्याज के पराठे बनाएंगे, मेरी गारंटी है बेहद स्वादिष्ट बनेंगे, भरे भरे भी बनेंगे, सब तरफ स्टफिंग भी जाएगी, फूले फूले बनेंगे, फटेंगे नहीं, साथ के साथ आप देख सकते हैं नरम बने रहेंगे। वापिस से पराठे को पलट देंगे, सब तरफ से बढ़िया गोल्डन इसको सेक लेंगे। ये लीजिए हमारा गर्मा गरम भरा भरा फूला फूला नरम ढाबा स्टाइल आलू प्याज का पराठा है बिल्कुल तैयार। चलिए फटाफट से इस पराठे को मैं आपको बीच में से कट करके भी दिखाती हूँ कि हमारी फिलिंग कैसी भरी है। और ये देखिए इस तरह से कट करेंगे, वाओ एकदम मुंह में पानी आ रहा है देखते ही। और ये देखिए यहीं से दिख रहा है कि जो स्टफिंग है हमारे आलू की यानी फिलिंग है प्रॉपर भरी हुई है। अब मैं आपको इसका ना ऊपर वाला हिस्सा उठाकर दिखाती हूँ। ये आप समझ रहे होंगे कि आटा ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया है, पतली सी आटे की लेयर है। आलू का ज्यादा स्वाद, आटे का कम, ये बहुत जरूरी पॉइंट है अच्छे आलू प्याज के पराठे के लिए। ये देखिए मैं आपको पूरा खोल कर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि प्रॉपर आलू प्याज की फिलिंग भरी हुई है, एकदम मस्त वाली। इतना गर्म है कि खोला भी नहीं जा रहा है, धुआं निकल रहा है। ये देखिए है ना एकदम मस्त वाला पराठा, बनता है ना बनाना। तो मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए कब बना रहे हैं आप ये वाले पराठे। चलिए मैं फटाफट से आपको दूसरा पराठा भी बनाकर दिखाती हूँ। एक मीडियम साइज की लोई लेंगे, आटे में कोट करेंगे, इस तरह गोल घुमाते हुए हल्का सा झाड़ लेंगे। अब चकले पर रखकर थोड़ा सा बेलेंगे, बीच में थोड़ा घी लगाएंगे, हल्का सा आटा छिड़केंगे, बीच में लगाएंगे चौकोर स्टफिंग इस तरह से मेंटेन करते हुए। एक बार इधर से फोल्ड करेंगे, इधर से फोल्ड करेंगे, दबा देंगे। अब यहां से फोल्ड करेंगे और इस साइड से, और इसको स्क्वायर शेप देंगे। वापस से आटा छिड़केंगे, हाथ से थपथपाते हुए इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे। अब बिल्कुल हल्के हाथ से बेलन से चौकोर बेल लेंगे। बिल्कुल समान बेलना है, ऐसा नहीं कि कहीं ज्यादा आपने बेल दिया कहीं कम, बिल्कुल समान। ये लीजिए फटाफट से तभी को एक बार पोंछ करके वापस से ये पराठा डालेंगे, हल्का सा नीचे से सिकने देंगे और इसको पलट देंगे, नीचे से भी हल्का सिकने देंगे। अब इसे वापस पलटेंगे, इस पर लगाएंगे घी और घी लगाकर इसे वापस पलटेंगे, हल्का सा घी ऊपर भी लगा देंगे और बढ़िया सुनहरा होने तक दोनों साइड से बढ़िया क्रिस्पी खस्ता इसको सेक लेंगे। वैसे तो आलू के पराठे हो या आलू प्याज के पराठे, सभी के घर में अलग अलग तरह से बनाए जाते हैं और अलग अलग चीजों के साथ खाए जाते हैं। तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा आपके यहाँ किससे खाए जाते हैं। और मैं जो चटनी बना रही हूँ इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए हमारा दूसरा पराठा भी जबरदस्त टेस्टी ढाबा स्टाइल आलू प्याज का है बिल्कुल तैयार। तो सभी पराठे इसी तरह बना लेंगे। पराठे आगे बनाने से पहले फटाफट से बनाते हैं एक जबरदस्त टेस्टी न्यू स्टाइल की चटनी। एक ग्राइंडिंग जार लेंगे, तो यहाँ सबसे पहले हम डालेंगे थोड़े से लहसुन, एक छोटी चम्मच जीरा, एक चौथाई छोटी चम्मच हींग, साथ में जाएगा स्वाद अनुसार नमक और एक बड़ा चम्मच डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। साथ में डालेंगे एक बड़े साइज का लाल टमाटर, मजा आ जाएगा आलू प्याज का पराठा जब आप इससे खाएंगे। और साथ में डालेंगे एक हरी मिर्च और आधा इंच अदरक का टुकड़ा। इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसका फाइन पेस्ट तैयार करेंगे। ये देखिए एकदम फाइन पेस्ट तैयार हो गया है, लेकिन अभी इसमें करेंगे टेस्टी वाला स्टेप। फटाफट से एक छोटा पैन चढ़ाएंगे, पैन में डालेंगे एक बड़ा चम्मच तेल, तेल को बढ़िया से गर्म कर लेंगे और पूरे पेस्ट को यहीं पर डाल देंगे और बढ़िया से लो मीडियम फ्लेम पर चटनी को अच्छे से पका लेंगे। अगर यहाँ पर आपको ज्यादा गाढ़ी लगे तो थोड़ा पानी यहाँ ऐड कर सकते हैं। लीजिए चटनी बिल्कुल बढ़िया से पक करके तैयार है, अच्छी सी खुशबू आ रही है, तुरंत से इसे निकालेंगे एक बोल में। चलिए हमारी इंस्टेंट टमाटो गार्लिक चटनी है बिल्कुल तैयार, फटाफट से करते हैं सर्व। Perfect.
तो ये लीजिए, बिल्कुल तैयार है हमारे जबरदस्त टेस्टी फूले फूले भरे भरे नरम ढाबा स्टाइल आलू प्याज के पराठे एक नए तरह से। और जब आप इस तरह बटर के साथ इसे करेंगे सर्व, फिर तो मजा ही आ जाएगा, साथ में चटनी और दही के साथ। मस्ट ट्राई रेसिपी है फ्रेंड्स, और मेरी गारंटी है जब आप ये स्टेप्स फॉलो करके बनाएंगे और मेरी टिप्स के साथ बनाएंगे, आपके आलू प्याज के पराठे एकदम शानदार बनेंगे, कभी नहीं फटेंगे, फूले फूले भी बनेंगे और हर तरफ स्टफिंग हर कोने पर जाएगी। सभी तरह के पराठों की रेसिपी मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, मेथी पराठा, मूली पराठा, मटर के पराठे, पालक पराठा, आलू का पराठा, गोभी का पराठा, आप वो सभी पराठे जरूर जरूर से ट्राई करें, आपको बेहद पसंद आएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के ये स्पेशल आलू प्याज के पराठे की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।